डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th का हमारा चैप्टर चल रहा था प्रकाश प्रावर्तन तथा अपवर्तन। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसके अंदर हमने पढ़ा उत्तल तथा अवतल दर्पणों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, यानी कि जो अवतल दर्पण होता है उसके अंदर 6 तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। 5 जो स्टार्टिंग वाले प्रतिबिंब है वो वास्तविक तथा उल्टे बनते हैं। लास्ट वाला 1 प्रतिबिंब अवतल दर्पण के अंदर आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार से बड़ा बनता है, जबकि उत्तल दर्पण के अंदर हमेशा और हमेशा 2 तरह के प्रतिबिंब बनते हैं स्टूडेंट। और दोनों प्रतिबिंब कैसे होते हैं? आभासी होते हैं, सीधे होते हैं, वस्तु के आकार से हमेशा छोटे होते हैं स्टूडेंट। तो इन बातों को ध्यान में रखिए, अच्छे से अपने दिमाग में सेव कर लीजिए। और आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं अवतल तथा उत्तल दर्पण के उपयोग, यानी कि पहले पढ़ेंगे अवतल दर्पण के उपयोग, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग। तो स्टार्ट करते हैं अवतल दर्पण का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। जैसे पहले इसका उपयोग टॉर्च तथा सर्च लाइट के अंदर। आपके घर में टॉर्च है स्टूडेंट, सर्च लाइट है, उनके अंदर क्या होता है? अवतल दर्पण लगा होता है। कहाँ कैसे लगा होता है? मान लीजिए ये घर में टॉर्च है स्टूडेंट आपका, तो जैसे टॉर्च को ऑन करते हो, स्विच लगा तो ऊपर ऑन करते हो, तो टॉर्च के अंदर से लाइट निकलता है और कैसा निकलता है? शक्तिशाली किरण पुंज निकलता है, यानी कि बिल्कुल अंधेरा है, आप टॉर्च ऑन करते हो तो टॉर्च से जो लाइट निकल रहा है तो क्या निकल रहा है? बहुत सारी प्रकाश की किरणें एक साथ निकल रही है इकट्ठी, जिसको हम बोल सकते हैं कि प्रकाश का किरण पुंज निकल रहा है, ठीक है। और सारी इकट्ठी निकलती है इसलिए प्रकाश का रास्ता उसमें आपको साफ दिखाई देता है कि प्रकाश कहाँ जा रहा है, किस तरह से जा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? ये जैसे रूम के अंदर बल्ब ऑन करते हैं तो बल्ब के अंदर इस तरह का दिखाई नहीं देता, बल्ब के अंदर तो चारों तरफ लाइट जाती है, जबकि आप टॉर्च को, सर्च लाइट को ऑन करते हो तो उसके अंदर जो वहाँ से जो लाइट निकलती है ना, उसका रास्ता अलग ही होता है, उसका हमें दिखाई पड़ता है कि ये प्रकाश जो है ना इस तरह से निकल रहा है, यहाँ जा रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपका टॉर्च या सर्च लाइट होती है ना, उसके अंदर अवतल दर्पण का उपयोग हुआ होता है। और अवतल दर्पण के अंदर आपको एक बात बता दें कि ये अवतल दर्पण है, जैसे इस तरह पुलिस क्या होता है, इस तरह प्रकाश का परावर्तन होता है, और ये मुख्य अक्ष रेखा है। तो जो रेड कलर की आपको दिखाई दे रहा है ना, ये प्रकाश की किरणें हैं। अगर मुख्य अक्ष रेखा के समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हो तो परावर्तन के बाद वो हमेशा और हमेशा एक बिंदु, जिसको हम बोलते हैं मुख्य फोकस बिंदु, उस पर आके मिलती है स्टूडेंट। कहने का मतलब अवतल दर्पण क्या करता है, उसके ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को वो इकट्ठा कर देता है स्टूडेंट, ये बात दिमाग में रखिए, ठीक है। अब देखिए, जो सर्च लाइट या टॉर्च होता है उसके अंदर क्या सिस्टम होता है? आपका टॉर्च या सर्च लाइट उसके अंदर ये स्विच ऑन होता है, जैसे ये स्विच होता है, जैसे ऑन करते हो तो यहाँ एक बल्ब लगा होता है, बाहर की तरफ एक ग्लास होता है, ग्लास के अंदर से लाइट जो है आगे की तरफ जाता है। तो देखिए ये बाहर, ये बिल्कुल बाहर दिखाई देता है ये ग्लास, और ग्लास के अंदर से देखोगे तो एक बल्ब लगा होता है, और वो बल्ब इस तरह की कौन कौन शेप होती है, किस तरह की, उसके अंदर यहाँ लगा होता है बिल्कुल बीच में, और ये आपको साइड जो है ना वो सिल्वर कलर की सी नज़र आती है। तो वो सिल्वर कलर की नज़र आती है क्योंकि ये अवतल दर्पण लगा होता है यहाँ। अवतल दर्पण क्या करता है? जैसे ये बल्ब ऑन होता है तो यहाँ से बल्ब से जो प्रकाश की किरणें निकल रही है वो अवतल दर्पण से टकराएगी, अवतल दर्पण क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को इकट्ठा कर देगा। तो सारी की सारी प्रकाश की किरणें इकट्ठा होकर और यहाँ से बाहर निकलेगी, यानी कि बाहर जो ग्लास लगा हुआ है, ग्लास से बाहर निकलेगी। बाहर निकलेगी वो कैसी होगी? सारी की सारी इकट्ठी होगी, यानी कि एक शक्तिशाली किरण पुंज निकलेगा, जिससे आपको प्रकाश का रास्ता जो है साफ दिखाई देता है भी। यहाँ से इस टॉर्च को ऑन करते हैं, ये देखो इतनी प्रकाश की किरणें एक साथ निकल रही है स्टूडेंट। तो पता लगा ना किस लिए नजर आता है? टॉर्च या सर्च लाइट के अंदर क्या लगे होते हैं? अवतल दर्पण, जो क्या करते हैं, प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करके एकदम से बाहर निकालते हैं, जिससे आपको आपका प्रकाश की किरण, शक्तिशाली किरण पुंज आपको दिखाई देती है। यह आपको पता है जो आपको वाहनों में अग्रदीप होते हैं, अग्रदीप मतलब वाहनों में जो हेडलाइट लगी होती है, बाइक है, कार है, बस है, आपका स्कूल वैन है, उन सब के आगे देखिए हेडलाइट लगी होती है हमेशा, यानी कि रात को आप अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आपके लिए जो वाहन है उनके अंदर हेडलाइट बहुत ज़रूरी है, ताकि आप आगे का रास्ता जो है वो देख सकें। तो जो हेडलाइट होती है ना, उनके अंदर भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। उनके अंदर अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? देखिए, आपका बाइक या कार है, उसका हेडलाइट ध्यान से देखिए कैसा होगा। हेडलाइट ये बाहर की तरफ तो ग्लास होगा जहाँ से प्रकाश की किरणें निकलेगी, लेकिन इस ग्लास के अंदर से देखोगे तो कुछ इस तरह का शेप होगा, और यहाँ एक बल्ब लगा हुआ आपको ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है ना।
तो ये बल्ब लगा हुआ है, तो और इसका जो साइड है ना, साइड ये जो है ना सिल्वर कलर का, यानी कि अवतल दर्पण के कारण यहाँ अवतल दर्पण लगा होता है, यहाँ इस साइड अवतल दर्पण लगा होता है। जैसे ही आपका बल्ब ऑन होता है तो ये प्रकाश की किरणें किससे टकराती है, जो साइड में अवतल दर्पण लगे होते हैं इनसे। अवतल दर्पण का काम क्या होता है, इनसे जो प्रकाश की किरणें टकरा रही है उन सबको क्या कर देता है, ये इकट्ठा कर देता है। तो यहाँ भी जैसे ही बल्ब ऑन होता है, यहाँ प्रकाश की किरणें टकराती है, तो ये अवतल दर्पण क्या करें, उन प्रकाश की किरणों को एकदम से इकट्ठा करके, और बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने का मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा डेंस, यानी कि बहुत आपको एक शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त होता है, जो आपका हेडलाइट आगे की तरफ आपका जो रोड है उसके ऊपर आगे जाके टकराता है। ऐसा किस लिए होता है, एक जैसे रूम में बल्ब लगा हुआ है, ऐसा बल्ब क्यों नहीं लगा होता किसी वाहनों के आगे हेडलाइट में। तो अगर इस तरह का बल्ब लगा होगा ना, जैसे यहाँ रूम में लगा हुआ है, ऐसा बल्ब लगा होगा तो वो आपका जो आगे का जो रोड है वो अच्छे से दिख नहीं पाएगा। क्यों नहीं दिख पाएगा, देखिए आपको क्या चाहिए, बाइक या आपका जो वाहन है वो रात को आपका चाहिए कि वो अगर स्पीड में चल रहा है तो रोड जो है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। बिल्कुल क्लियर के लिए आपको चाहिए कि वो जो लाइट निकल रहा है ना, उस जो बल्ब लगा रखा है आपने हेडलाइट में, उस बल्ब से जो लाइट निकल रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है ना आपका आगे की तरफ जो रोड है उसके ऊपर बिल्कुल आपके वाहन के आगे जो है वो सारी की सारी लाइट जाके टकराए, ताकि आपको वहाँ टकरा के आपके आइज में एंटर करेगी और आपको रोड जो है बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। ऐसा कब और कब होगा, जब आप वाहनों के अंदर इस तरह से हेडलाइट यूज़ करोगे, यानी अवतल दर्पण क्या करेगा, इस बल्ब से जो लाइट निकल रही है ना वो मैक्सिमम लाइट क्या करेगा, एकदम से डेंस करके करके रोड पे जो है एकदम से टकराएगी। बहुत ज्यादा डेंस लाइट रोड पे टकराएगी तो आपको रोड जो है बिल्कुल क्लियर होगा, यानी आपका वाहन बहुत ज्यादा स्पीड में जा रहा है फिर भी आपको रोड जो है ना एकदम क्लियर दिखाई देगा स्टूडेंट। यानी कि आप नोट कीजिएगा, कार का बाइक का जो हेडलाइट है वहाँ से जो लाइट निकल रही है ना वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए बनी हुई है कि आप रोड पे चल रहे हो तो आपका यानी कि कुछ डिस्टेंस तक वो लाइट गिरेगी, यानी यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे ना, तो वो लाइट आपका जो साइड है उनके अंदर नहीं जा रही है, यानी कि वो लाइट बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो रही। इस बल्ब से जितनी भी लाइट निकल रही है वो सारी की सारी आपको यानी बिल्कुल रोड के आगे आपके वाहन के आगे जाके गिर रही है। इस तरह से इसको डिज़ाइन किया जाता है कि मैक्सिमम लाइट जो है वो आपको बिल्कुल वाहन के आगे का जो रोड है उस पर टकराए, ताकि आपको आगे का रोड जो है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। तो इसलिए इसके अंदर क्या होता है, अवतल दर्पण लगा होता है। तो आप बता सकते हो, ये छोटा क्वेश्चन भी आता है कि वाहनों के अगर भी यानी कि हेडलाइट में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है पता लग गया ना, अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश की किरणों को एकदम से इकट्ठा करके शक्तिशाली किरण पुंज बनाता है, जिससे हमें जो आपके आगे का व्यू है वो अच्छे से दिखाई दे सके। तो ये होता है स्टूडेंट। इसके बाद है, इसका उपयोग सेविंग दर्पण के रूप में भी किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग। देखिए आपने देखा होगा, एक तो आप नाई की दुकान में जाते हो, एक तो लगे होते हैं बड़े बड़े मिरर, वो तो होते हैं स्टूडेंट समतल दर्पण, ठीक है। एक सेविंग दर्पण आते हैं छोटे छोटे, जैसे उनके अंदर क्या हुआ, क्या क्या होता है। वैसे तो आपको पता है अवतल दर्पण के अंदर 6 तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। स्टार्टिंग वाले 5 प्रतिबिंब है वो कैसे बनते हैं, वो उल्टे बनते हैं, वास्तविक बनते हैं, लेकिन लास्ट वाला एक प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। तो इसी चीज़ का उपयोग किया जाता है सेविंग दर्पण। सेविंग हम आपको सेविंग करना है तो क्या करना पड़ेगा, दर्पण को बिल्कुल पास रख के सेविंग करते हो इस तरह से। तो अगर दर्पण को पास रखा है, यानी कि हमारा जो वस्तु है वो दर्पण के बिल्कुल पास है, दर्पण के पास है, तो लास्ट वाला प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि इसके अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु के आकार से बड़ा। यानी आप अगर सेव कर रहे हो तो आप ये का जो आप इसके अंदर व्यू देख रहे हो वो इससे बड़ा है, यानी कि आपको इंजरी होने का डर नहीं रहेगा, आपका सेविंग जो है एकदम से परफेक्टली कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो आपको सेविंग दर्पण के अंदर जो दिखाई दे रहा है ना, अवतल दर्पण के अंदर आपका फेस वो इससे एक्चुअल में बड़ा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, उससे आपको आसानी से जो है ना एकदम मस्त सेविंग कर सकते हो, ठीक है। अगर सेविंग दर्पण अगर आप बहुत ज़्यादा दूर कर देते हो ना इस प्रतिबिंब को, तो आपका उल्टा बनेगा प्रतिबिंब, फिर आप जो है इसका यूज नहीं करते, तो सिर्फ सेविंग दर्पण में यूज करते हो, बाकी का आप समतल दर्पण का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद है थर्ड देखिए, दंत विशेषज्ञ दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दंत विशेषज्ञ यानी कि दांतों के विशेषज्ञ, दांतों के डॉक्टर,
इस दांतों का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। तो आपको पता है स्टूडेंट, अवतल दर्पण में 6 तरह के प्रतिबिंब बनते हो। लास्ट वाला कैसा बनता है? बासी सीधा, वस्तु के आकार से बड़ा। कब? जब वस्तु बहुत ज़्यादा दर्पण के नज़दीक हो। तो जब दांतों के डॉक्टर होते हैं, देखते तो क्या करते हैं, आपके माउथ के अंदर टॉर्च ऑन करते हैं और टॉर्च से जो है आपका लाइट जो है माउथ के अंदर जाती है और इस तरह का एक दर्पण होता है, यहाँ दर्पण लगाता है अवतल दर्पण, उस अवतल दर्पण को आपके फेस में माउथ के अंदर लेके जाते हैं। तो जिससे इस दर्पण के अंदर आपके जो दांतों का प्रतिबिंब है वो बनता है। और वो कैसा बनता है? दांत बिल्कुल दर्पण के लगभग नज़दीक होते हैं, पास होते हैं, जिससे आपका जो प्रतिबिंब है वो आभासी सीधा और वस्तु के आकार से बड़ा, यानी आपके दांतों का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जिससे वो जो विशेषज्ञ है, जो दांतों के डॉक्टर है, वो दांतों के अंदर जो प्रॉब्लम है वो उसको आसानी से देख पाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इसलिए जो दंत विशेषज्ञ होते हैं वो दांतों का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। फोर्थ है, सौर बटियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सौर बटियाँ क्या होती है? देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट जो आपका चैप्टर होगा उसके अंदर भी पढ़ेंगे, इनके अंदर डिटेल से बता देते हैं। जैसे सौर कुकर होते हैं जो सूर्य के प्रकाश में काम करते हैं, सूर्य के प्रकाश की सहायता से काम करते हैं। जैसे सौर भट्टियों में इस तरह का सौर भट्टी है, कोई सौर कुकर है, तो इस तरह का एक बॉक्स होता है स्टूडेंट, यानी कि लकड़ी का एक बॉक्स होता है, उसके अंदर जो है चार बर्तन रखे होते हैं, दो या चार बर्तन रखे होते हैं, और इसका जो बिल्कुल एक बॉक्स की तरह होता है और उसके ऊपर एक ढक्कन होता है। जो ढक्कन होता है ना उसका जो अंदर वाला साइड है ना, यहाँ दर्पण लगा होता है। कौन सा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किस लिए लगा होता है? ये देखिए, ये जो इनके अंदर जो आपको सामान पकाना है उसको रखा जाता है इन कटोरियों के अंदर, ठीक है। तो ये इन कटोरियों के ऊपर एक तो ग्लास रखा होता है, तो सूर्य का प्रकाश जो है वो अंदर जाता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश से के अंदर जो ऊर्जा होती है ना, उष्मा ऊर्जा, उससे ये इसके अंदर जो है ना खाना पकता है। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये जो ढक्कन लगाता है, ढक्कन के ऊपर जो ये जो समझ रहे हो ना, एक बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर एक ढक्कन है, तो जो ढक्कन का ये वाला साइड है ना, ये वाला, इसके ऊपर अवतल दर्पण लगा देते हैं। अवतल दर्पण क्या करता है? प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करने का काम करता है। तो ये जैसे ही ऐसे रहेगा तो इसको ढक्कन को इस तरह से सेट किया जाता है कि प्रकाश की किरणें जो आ रही है ना वो सारी इससे टकरा के और इन बॉक्सेस के ऊपर जो है ना वो इसके अंदर एंटर करे, यानी सारी सारी यहाँ इकट्ठी हो रही है ना, जैसे इसके ऊपर टकरा के सारी की सारी इन बर्तनों के अंदर जाए, यानी कि सारी की सारी इस बॉक्स के अंदर जाए, जिससे ये जो बर्तन है उनका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे इनके अंदर रखा हुआ जो सामान है वो आसानी से पक जाएगा स्टूडेंट। तो सौर भट्टियों के अंदर भी हम उसको सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ये था अवतल दर्पण के उपयोग। उनके अंदर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो समझ गए ना, एक तो यहाँ से आएगा वाहनों के अग्रदीप हेडलाइट के रूप में कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। दूसरा ये पूछ सकता है आपसे, इनमें से सेविंग दर्पण के रूप में कौन सा दंत विशेषज्ञ कौन सा दर्पण यूज करते हैं, या एक इंपॉर्टेंट ये है कि सौर भट्टियों के अंदर कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप याद रखना अवतल दर्पण। अगर ऑप्शन में आए, कई बार अवतल दर्पण नहीं मिलता ऑप्शन में, तो इसके अंदर याद रखिएगा अवतल दर्पण और समतल दर्पण दोनों का उपयोग किया जाता है। सौर भट्टियों के अंदर अवतल दर्पण और समतल दर्पण दोनों का उपयोग किया जाता है स्टूडेंट। तो ये था अवतल दर्पण का उपयोग। इसके बाद देखते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। इसके बाद देखिए उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पश्चात दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। देखिए वाहनों में पश्चात दृश्य यानी कि पीछे का दृश्य देखने के लिए जो दर्पण यूज करते हैं उसको उत्तल दर्पण जो है उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। आपको पता है जो आपका गाड़ी है, स्कूल वैन है, उसके अंदर देखिए जो ड्राइवर चला रहे होते हैं वैन को या कार को जो चला रहे हैं, उसके साइड में एक मिरर लगा होता है जिससे वो पीछे का दृश्य देखते हैं, यानी कि पीछे कोई वाहन आ रहा है उसको साइड देना है या पीछे की तरफ देखना है तो उसके अंदर से देखते हैं। तो जो साइड में जो मिरर लगा होता है ना, साइड मिरर, जिसको बोलते हैं हिंदी में पश्चात दृश्य मिरर, पश्चात दृश्य दर्पण, तो उस दर्पण, वो दर्पण कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है स्टूडेंट। तो वाहनों के अंदर पश्चात दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, बात ये आती है, अवतल का क्यों नहीं करते? अगर अवतल का यूज करेंगे ना, तो अवतल के अंदर आपको पता है 6 तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, यानी कि जो स्टार्टिंग वाले 5 प्रतिबिंब है वो तो ये देख लीजिए वास्तविक और उल्टे बनते हैं, और लास्ट वाला एक सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु के आकार से बड़ा।
जबकि उत्तल दर्पण के अंदर सिर्फ दो तरह के प्रतिबिंब बनते हैं और दोनों के दोनों हमेशा और हमेशा आभासी सीधे तथा वस्तु के आकार से छोटे बनते हैं। तो देखिए आपको क्या चाहिए कि आप अगर बाइक चला रहे हो तो आपको ऐसा तो नहीं चाहिए ना, अगर अवतल दर्पण लगा होता पीछे से कोई वाहन आ रहा है तो वो स्टार्टिंग में तो वो उल्टा दिखाई देगा स्टार्टिंग में, तो धीरे धीरे जैसे नज़दीक आएगा वो बड़ा होता जाएगा, बिल्कुल पास आ जाएगा तो एकदम से सीधा सीधा दिखाई देगा, लास्ट वाला प्रतिबिंब सीधा बनता है उसके अंदर और सीधा और बहुत बड़ा दिखाई देगा, यानी सिर्फ वो दिखाई देगा उससे पीछे कुछ दिखाई नहीं देगा। तो हमें ऐसा तो दर्पण नहीं चाहिए ना, हमें ऐसा दर्पण चाहिए जो जिससे जिससे पीछे का व्यू ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई दे, यानी कि पीछे जो भी आपके पीछे जो वाहन आ रहे हैं वो दिखाई दे, ज़्यादा से ज़्यादा पीछे का व्यू दिखाई दे। वो किस में पॉसिबल है? उत्तल दर्पण में, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा और हमेशा प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा बनेगा, चाहे पीछे कोई ट्रक आ रहा है, कितना भी बड़ा बाइक कार कुछ भी आ रहा है ना, उसका प्रतिबिंब हमेशा उससे छोटा बनेगा और हमेशा सीधा बनेगा, यानी कि वस्तु की कहीं भी हो आपका वो किसी भी पोजीशन पे हमेशा सीधा बनेगा। तो हमें क्या चाहिए कि वो सीधा रहे और हमेशा वस्तु के आकार से छोटा, वस्तु के आकार से छोटा होगा तो इस प्रतिबिंब के अंदर हम पीछे का व्यू ज़्यादा से ज़्यादा देख पाएंगे स्टूडेंट। तो इसलिए हम उनके अंदर क्या करते हैं, पश्च दृश्य के रूप में उत्तल दर्पण का। तो ये भी एक छोटा क्वेश्चन आता है एक नंबर में, आपको अच्छे से याद रखना है कि जो साइड मिरर है या जो पश्च दृश्य दर्पण है उस दर्पण के रूप में हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। और ये अलग बात है, माइंड में रखिए कि जो वाहनों का हेडलाइट होता है ना, हेडलाइट में अवतल दर्पणों का उपयोग करते हैं, दोनों अलग अलग बातें दिमाग में रखिए अच्छे से। दूसरा है उत्तल दर्पण का उपयोग सुरक्षा कैमरों के रूप में। आपने देखा होगा दुकानें होते, दुकानों के अंदर जहाँ जो सेठ जी बैठते हैं, जहाँ जिसका दुकान होता है बैठते हैं ना, उसके पास में एक मिरर लगा होता है और उस मिरर के अंदर आप देखना, यानी कि वो इस तरह से इस साइड में लगा होता है, पीछे की तरफ दुकानें हो, पीछे की तरफ आपका दुकान का सामान रखा हुआ है, तो ये जो मिरर रखा ना वो उत्तल दर्पण लगा होता है। उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनाता है वस्तुओं के आकार से और आभासी और सीधा बनता है। तो इसके अंदर जो प्रतिबिंब बनेंगे सीधे बनेंगे, यानी कि वस्तु के आकार से छोटा बनने के कारण आपका जो पीछे का व्यू है ना, या दुकान में जितना भी सामान रखा हुआ ना, वो इस मिरर के अंदर आप आसानी से देख सकते हो, निगरानी में रख सकते हो, ठीक है। तो इसका उपयोग सुरक्षा कैमरों के रूप में भी किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइटों में किया जाता है, यानी गली में जो लाइटें लगी होती है ना, आप शहरों में देखते हो सड़कों पर जो लाइटें लगी होती है इस तरह की, उनके अंदर भी उत्तल दर्पण का उपयोग। क्यों? क्योंकि आपको पता है हेडलाइट के अंदर अवतल दर्पण का उपयोग किस लिए, क्योंकि हेडलाइट के अंदर हमें बहुत ज़्यादा डेंस शक्तिशाली किरण पुंज चाहिए स्टूडेंट, इकट्ठा इस तरह से लाइट चाहिए, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जबकि उत्तल दर्पण क्या करते हैं, देखिए ये उत्तल दर्पण इस तरह पुलिस किया होता है, तो उत्तल दर्पण के ऊपर जैसे ही प्रकाश की किरणें आती है तो किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। और स्ट्रीट लाइटों के अंदर हमें क्या चाहिए, ऐसा ही चाहिए हमें। स्ट्रीट लाइटों के अंदर ऐसे जो आपका टॉर्च होता है उसकी तरह तो लाइट नहीं चाहिए ना, कि सड़क का जो सिर्फ नीचे वाला हिस्सा उस पर लाइट बहुत ज़्यादा डेंस रहे, हमें ऐसा चाहिए कि पूरी सड़क के ऊपर, जो पूरी सड़क है उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा लाइट रहे, जैसे बल्ब का लाइट होता है। इसलिए जो स्ट्रीट लाइटें होती है, इस तरह का पोल होता है ऊपर, इस तरह का एक जो है इस तरह की शेप का एक डोम शेप का एक जो ढक्कन होता है उसके अंदर नीचे बल्ब लगा होता है, उसके पीछे की तरफ जो है ना वो कौन सा दर्पण लगाता है, उत्तल दर्पण लगाता है। जैसे स्विच ऑन करते हैं बल्ब का, तो यहाँ से जो प्रकाश की किरणें निकल रही है उत्तल दर्पण से टकराती है, उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैलाने का काम करता है, उसे चारों तरफ फैला देता है, जिससे आपका जो एक जो स्ट्रीट लाइट लगी होती है वो काफ़ी दूर तक के एरिए को क्या कर देती है, कवर कर लेती है, यानी कि काफ़ी दूर तक क्या रहता है, प्रकाश रहता है, रोशनी रहती है स्टूडेंट। तो ये थे उत्तल दर्पण के उपयोग, यह था आज का वीडियो जिसके अंदर हमने देखा उत्तल तथा अवतल दर्पणों के उपयोग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू क्लास।